हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या हेल्प किचन। तो आज मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी जलेबी घर पे कैसे बना सकते हैं बिल्कुल इजीली और इंस्टेंट तरीके से वो बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने बाउल लिया है। बाउल में मैंने डाला इस टाइम 300 ग्राम के लगभग मैदा, और मैदा डालने के बाद अब इसमें छाछ ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से थोड़ी सी छाछ ऐड करेंगे और फिर मिक्स करेंगे। मैदा को पहले ही से मैंने छान लिया था, आपको छानने के बाद ही मैदा को यूज़ करना है। तो इस तरीके से जो एक से डेढ़ ग्लास के लगभग इसमें छाछ लग जाएगी, और छाछ इस टाइम मैंने खट्टी छाछ का यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने एक ग्लास तो इसमें डाल दिया है, और पेस्ट को थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है इस तरीके से। इतना भी इसको गाढ़ा नहीं रखना है, जैसे आपको ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसको और गाढ़ा करेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा और डालना है मैदा, तो इस तरीके से थोड़ा सा इसको पतला कर देना। आप देख सकते हैं, तो अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है इस तरीके से। तो इस तरीके के पेस्ट की कंसिस्टेंसी चाहिए, आप देख सकते हैं इस तरीके से गाढ़ी। इससे भी आप थोड़ा सा और गाढ़ी रख लेंगे तो और भी अच्छा होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो मैंने मैदा का पेस्ट है वो, उसको अब रखेंगे हम लोग 10 से 20 मिनट के लिए। तो अब इसको 10 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देना है। और इस टाइम मैंने खट्टी छाछ का यूज़ किया था, इसीलिए मैं इसको इतनी टाइम के लिए रख रही हूँ। तो आप देख सकते हैं 10 से 20 मिनट के बाद, वैसे मैंने इसको आधा घंटा रखा है, आप 10 से 20 मिनट भी रख सकते हैं और आधे घंटे बाद भी इसको बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो मैदा है वो भी थोड़ी फूल के तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके की बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके की परफेक्ट बैटर की कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। तो अब इसमें येलो फूड कलर ऐड करना है, आपके पास कोई भी फूड कलर तो आप डाल सकते हैं, और अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो भी आप इजीली बना सकते हैं नॉर्मली। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं येलो फूड कलर को भी मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, और बैटर को आपको थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है इस तरीके से, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने, आप देख सकते हैं, कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने डेढ़ कटोरी के लगभग चीनी ऐड की है। तो अब इसमें पानी ऐड करेंगे, डेढ़ कटोरी चीनी में आपको एक कटोरी पानी ऐड करना है। मैं आपको मेज़रमेंट से बता देती हूँ। तो ये मैंने नींबू लिया है, नींबू का रस आप देख सकते हैं निकल चुका है, और केवल जो सूखा नींबू होता है वही मैंने लिया है, नींबू का छिलका। और उसके बाद मैंने येलो फूड कलर ऐड कर दिया। तो गैस का फ्लेम ऑन कर देना है और इसको पका लेना है। आपको इसको चेक कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ा सा आप हाथ में लीजिएगा, हाथ में थोड़ा चिपचिपा लगे इसका मतलब ये तैयार हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं 5 से 7 मिनट बाद इसको आप चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल अच्छी तरीके से बनकर तो दिख रही है, तैयार हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं हाथ में थोड़ी चिपचिपी लग रही, मैं आपको दिखा देती हूँ बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो हाथ में आपकी चिपकनी चाहिए, बस उतना ही इसको तैयार करना है। आप देख सकते हैं तार भी बनना स्टार्ट हो रहे हैं इसमें। तो ये बन के तैयार हो चुकी है, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। और अगर आप थोड़ी सी और ज़्यादा बनाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा, ताकि जलेबी में अच्छी तरीके से जा पाए। तो ये मैंने तेल लिया है, आप देख सकते हैं तेल को भी गर्म कर देना इस तरीके से। बिल्कुल इंस्टेंट ये तरीका है बनाने का, तो आप बना सकते हैं इस तरीके से जलेबी। तो ये आप देख सकते हैं जलेबी को डालने के लिए ये मैंने नॉर्मल जो पैकेट होते हैं घर में वो लिया है, ये ऑयल का पैकेट है आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से एक ग्लास के ऊपर रखना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने ग्लास के ऊपर रख दिया है, नीचे से अभी कोई भी कट नहीं किया है। सबसे पहले इस तरीके से प्लेट के ऊपर रखना है, और फिर इसमें जो मैदा का बैटर था वो ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको और भी खोल लेना है, और अब इसको मैदा के बैटर को डालेंगे इसमें। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैदा के बैटर को भी डाल देना है। और अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि जो भी मेरी वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगी नोटिफिकेशंस। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इसको पैक करके तैयार कर लिया है। तो अब नीचे से इसको इस तरीके से अच्छी तरीके से उठा लेंगे पहले तो, और इस तरीके से आप देख सकते हैं जो साइड का लेयर है उसको भी मैंने रख लिया है। तो इस तरीके से जो इस साइड का है बचा हुआ है उसको कट कर लेना है। तो इस तरीके से कट कर लेंगे, आप देख सकते हैं ये थोड़ा निकलना भी स्टार्ट हो। तो तेल अच्छी तरीके से गर्म होने के बाद अब इस तरीके से डाल देना है इसमें। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से डाल देना है जलेबियों को। आपको कोई भी शेप में बनाने तो आप बना सकते हैं, छोटे शेप में भी बना सकते हैं जलेबियों को, बड़े शेप में भी बना सकते हैं, आपके मन मुताबिक आप कैसे भी शेप दे सकते हैं जलेबियों का। तो इस तरीके से इनको सेक लेना है। तो पहले पहले ऑयल ज़्यादा गर्म रहता है, इसीलिए आपको जल्दी जल्दी डालना है, और फिर दोबारा आपको गैस का फ्लेम थोड़ा लो ही रखना है जिससे जलेबियों का शेप भी सही आए। तो इस तरीके से पलट लेना है इसको, आप देख सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी और बहुत ही जूसी बनेंगी। तो आप इस तरीके से एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से थोड़ी सीखने के बाद अब इनको निकाल लेना है, और 1 से 1.5 मिनट के लिए आपको सेकना है इनको। तो इस तरीके से निकाल लेंगे,
और पहले पहले अब जब आप डालें तब 3 से 4 जलेबी यहीं डालें, क्योंकि ऑयल ज़्यादा गर्म रहता है और इनका फटने का भी डर रहता है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से पहले बैटर को डालने के बाद अब दूसरे बैटर को भी तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं दूसरा बिल्कुल, आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट, जैसे हलवाई बनाते हैं उसी तरीके से बनता है। पहले पहले इसलिए होता है ये, इस तरीके से थोड़ी सी लंबी बढ़ जाती है क्योंकि वो ज़्यादा गर्म रहता है ऑयल। तो दूसरी टाइम आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट जलेबी बन के तैयार हुई है। तो सभी जलेबियों को आप सर्व कर लेना है बनाकर। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हलवाई जैसे क्रिस्पी जलेबी बन के तैयार हो चुकी हैं और अंदर से भी कितनी जूसी लग रही है, बहुत ही टेस्टी बनती है और बिल्कुल हलवाई जैसे जलेबी बन के तैयार होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।